स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल व्हीकल टीवी पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप व्हीकल का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट ऑनलाइन किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरीके से आप वाहन का बीमा ऑनलाइन निकाल सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर देते हैं डिजी लॉकर। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है डिजी लॉकर के, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अगर आपने अकाउंट बना रखा है डिजी लॉकर पे तो साइन इन आप कर सकते हो। अगर अकाउंट नहीं बना रखा तो सिंपली साइन अप पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम डालिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा और यहाँ पे 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट कर लीजिएगा। जो भी आप सेट करना चाहते हो, अगर आप सिंपली 8 9 8 9 8 9 इस तरीके से सेट करना चाहते हो आप सेट कर सकते हो। तो जो भी आप यहाँ पे सेट कर रहे हो 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन, वो आपको याद रखना है क्योंकि जब भी आप लॉगिन करोगे तो उस पिन की आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ये डिटेल डाल के जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के प्रोसीड करोगे तो सक्सेसफुली अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइन इन पे आप क्लिक कर सकते हो। या दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे डिजी लॉकर में यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद जो होम पेज है डिजी लॉकर का वो ओपन होके आ जाएगा। अब सिंपली साइन इन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर के थ्रू भी आप लॉग इन कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आधार नंबर के थ्रू भी आप कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आधार नंबर यहाँ पे डालिएगा, यहाँ पे 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डालिएगा और साइन इन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब मोबाइल पे ओटीपी चला गया है, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब आप यहाँ पे सर्च डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इंश्योरेंस कंपनी सर्च कर सकते हो या इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। जब आप इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो यहीं पे आपको दिख जाएगा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। तो व्यू ऑल पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कंप्लीट लिस्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। तो जिस कंपनी का भी आपका इंश्योरेंस है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप कंपनी का नाम यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जो भी कंपनी आपकी उसका नाम यहाँ पे सर्च कर सकते हो जो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे आपकी दिख रही है तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मेरा जो वो है पॉलिसी वो कोटक महिंद्रा के, तो कोटक यहाँ पे इस तरीके से हम सर्च कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो हम जैसे गाड़ी का निकालना चाहते हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी का यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पॉलिसी नंबर डाल दीजिएगा। पॉलिसी नंबर आपको एम परिवहन की ऐप में भी मिल जाएगा। जब आप एम परिवहन की ऐप डाउनलोड करोगे उसमें व्हीकल की डिटेल डालोगे, जैसे कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद चेसिस नंबर के लास्ट के 5 डिजिट, इंजन नंबर के लास्ट के 5 डिजिट डाल प्रोसीड करोगे तो वहां से भी आपको पॉलिसी नंबर मिल जाएगा। तो पॉलिसी नंबर यहाँ पे डालिएगा। वेरिफिकेशन फील्ड यहाँ पे क्लिक करके हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंजन नंबर आप सेलेक्ट करना चाहते हो या मोबाइल नंबर या चेसिस नंबर या डेट ऑफ बर्थ, ऑनर की डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी रखना चाहते हो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मोबाइल नंबर में रखना चाहते हो तो मोबाइल नंबर पर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे और गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, प्लीज वेट फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम द इशूअर। अब यहाँ पे आ रहा है रिक्वेस्ट इज पेंडिंग, तो वेट कर लेते हैं हम कुछ सेकंड के लिए। अब इस तरीके से आ जाता है डॉक्यूमेंट फेच्ड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पे इशू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से लिस्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। जितने भी डॉक्यूमेंट आपने सेव कर रखे हैं डिजी लॉकर में तो उनकी लिस्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस जो है वो दिख जाएगी, इंश्योरेंस पॉलिसी कार। यहाँ पे इसके आगे जो है यहाँ पे डाउनलोड आइकॉन जो है इस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद पीडीएफ पे क्लिक कर दीजिएगा। पीडीएफ पे जैसे क्लिक करोगे
तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसको ओपन कर लीजिएगा। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगी, यहाँ पे नाम दिख जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस दिख जाएगा, यहाँ पे रेफरेंस नंबर। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे इंश्योरेंस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगी, यहाँ पे पॉलिसी या सर्टिफिकेट नंबर दिख जाएगा, यहाँ पे नाम, एड्रेस, बाकी यहाँ पे अदर डिटेल दिख जाएगी। इंश्योरेंस कब से लेके कब तक वैलिड है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे इंटरमीडिएट डिटेल्स दिख जाएगी, यहाँ पे व्हीकल डिटेल दिख जाएगी। इस पेज पे नीचे की तरफ आप आओगे तो वैल्यू आपको दिख जाएगी, कितनी अमाउंट वो दिख जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये पूरी जानकारी है जी, उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई आपका डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और सोशल साइट पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करके इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, सोशल साइट के लिंक दिख जाएंगे, सोशल साइट पे आप जुड़ सकते हो। बाकी प्लेलिस्ट की बात करें तो हमने इस चैनल पे लाइसेंस और व्हीकल रिलेटेड काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आप इनको देखना चाहते हो देख सकते हो। बाकी सोशल साइट पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिए हुए हैं, और दूसरा अबाउट पे क्लिक करके भी आप कर सकते हो। और ऐसी वीडियो पाने के लिए इस चैनल से जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा, फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।